वैलेंटाइंस डे पर मेरी तरफ से आपको चुम्मा, हाग और बहुत सारा प्यार। और बॉलीवुड की तरफ से आपके लिए आ गई है फिल्म गली बॉय, जिसमें आपको दिखेंगी आलिया भट्ट उनके साथ रणवीर सिंह, और इसे डायरेक्ट किया है जोया अख्तर ने। फिल्म की कहानी है धारावी में रहने वाले एक लड़के मुराद की, जो कि एक बड़िंग रैपर होता है और किस तरह वो दुनिया से लड़ झगड़ कर कामयाब बन जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रजत गुप्ता ने इस फिल्म को दिए 4 स्टार्स और वो कहते हैं कि रैप जॉनरा जो है वो काफी अनकन्वेंशनल है और काफी सारे लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, पर गली बॉय देखने के बाद आपको सहानुभूति होगी और आपको अच्छा लगेगा। फिल्म के कुछ हिस्से प्रिडिक्टेबल हैं, पर जो स्टैंड आउट करता है फिल्म में वो है उसका इमोशनल इंटेलिजेंस। ये क्लासिक अंडरडॉग फिल्म है जिसमें आपको कॉन्फ्लिक्टेड बाप बेटे का रिश्ता भी देखने को मिलता है। विजय मौर्य ने डायलॉग्स लिखे हैं, काफी कमाल का लिखा है उन्होंने डायलॉग्स इस फिल्म के, और स्टोरी और स्क्रीन पे जो कि रीमा कागती और जोया अख्तर ने मिलकर लिखे हैं, फिल्म को उठा देते हैं। और भाई साहब फिल्म में जान डालते हैं जो कि असली हार्ट बीट है, वो है रणवीर सिंह। मतलब वो पैदा ही हुए थे भाई, ऐसा लगता है कि फिल्म में रोल करने के लिए भाई का टाइम आ गया है। 4 स्टार्स। हिंदुस्तान टाइम्स के राजा सेन ने इस फिल्म को दिए 4 स्टार्स और वो कहते हैं कि जो नॉकआउट परफॉर्मेंस है इस फिल्म में वो है एमसी शेर का किरदार निभा रहे एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी की। काफी नेचुरल है वो, और जो रैप बैटल होती है उसमें ऐसा लगता है कि भाई साहब सही में अपने ओपोनेंट्स को ना धो रहे हैं वो। और जो सिनेमाटोग्राफर हैं जे ओजा इस फिल्म के, उन्होंने मुंबई को काफी खूबसूरती के साथ उकेरा है फिल्म के पर्दे पर, और रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को काफी नेचुरल फॉर्म में आपको दिखाया है। आलिया भट्ट फेयरलेस हैं, काफ़ी फोकस्ड हैं, और हाथ में माइक पकड़ गए रणवीर सिंह तो भाई छा गए हैं। मतलब फ्रॉम एक्शन टू एक्सेंट ही इज द मैन। गली बॉय 4 स्टार्स। एनडीटीवी के साइबल चैटर्जी ने इस फिल्म को दिए 3 स्टार्स और उनके मुताबिक रणवीर सिंह कमाल का कन्विक्शन दिखाते हैं और एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, और उन्हें सपोर्ट करती हैं आलिया भट्ट। सिद्धांत चतुर्वेदी जो कि एमसी शेर का किरदार निभाते हैं फिल्म में, वो काफी इंप्रेस करते हैं अपने काम से। गली बॉय की तारीफ करनी पड़ेगी उसकी क्राफ्ट के लिए, उसके रंगीन किरदारों के लिए, एंड ऑफकोर्स रणवीर सिंह के लिए 3 स्टार्स। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को दिए 3.5 स्टार्स और वो कहती है कि रणवीर सिंह का किरदार जो है मुराद, उसके गुस्से में भी ना जेंटलनेस नजर आती है। कमाल का काम किया भाई ने। और आलिया भट्ट जो है जिनकी पिछले साल राजी आई थी जब उन्होंने पंख फैलाए थे मतलब एक्टिंग में, और इस फिल्म से उन्होंने बता दिया कि हेलो आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट विद फुल कन्विक्शन ऑन, सुपर्ब एक्टिंग की है यार उन्होंने। और एमसी शेर का जो किरदार है ना भाई साहब, सिद्धांत चतुर्वेदी वो है इस फिल्म के स्टार परफॉर्मर। मतलब उन्होंने कई सीन्स में ना पीछे छोड़ दिया है रणवीर सिंह को, इतना कमाल का काम किया। बाकी फिल्म देखकर आइए, आप एंजॉय करेंगे। 3.5 स्टार्स। तो चार टीम के हिसाब से फिल्म गली बॉय को मिलते हैं 3.6 स्टार्स। और जाते जाते बॉलीवुड शायरी नहीं, आज रैप करता हूँ। बंदा अपना ग्रेट है, जन्मा थोड़ा लेट है, पढ़ाई के दबाव में हो गया ओवरवेट है, पढ़ लिख कर बन जाए कुछ ऐसा उसने सोचा था, देख शिकारी रैट रेस के समझा बेटा लोचा था, शब्दों को पिरो कर उसने समझा अपने मजहब को, प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी बांटी उसने बंदों को, एक दिन नाम करेगा वो भी दुनिया उसको देखेगी, नीचे खींचने वालों की भी बेटा शामत आएगी, मेरा रैप सुनकर शायद तुम में जोश आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा। तो अगर आपको मेरी घटिया रैपिंग पसंद आई तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी घटिया रैपिंग लिखिए, और जाने से पहले बीबीसी हिंदी का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बीबीसी हिंदी का फेसबुक पन्ना लाइक करना ना भूलें। मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलूँगा आपसे अगले हफ्ते, तक कीप काम एंड डू रैपिंग।